सो व्हाट्स अप गाइज, उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो ऐपों की जरूरत पड़ने वाली है। पहले ऐप का नाम है टूर्बो वीपीएन और दूसरे ऐप का नाम है कैपकट, और इन दोनों ऐपों को आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, टूर्बो वीपीएन ऐप को यहां से ओपन करना होगा। देन दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा ना, तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, यहां पे टैप टू कनेक्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे कनेक्ट करके आप अपने VPN को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहां पे फटाफट कनेक्ट हो जाने देता हूं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूं कि आगे आपको क्या करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सो गाइज हम लोग का VPN तो कनेक्ट हो चुका है, तो ऊपर साइड में आप चाबी जैसा देख सकते हैं, यानी कि हम लोग का VPN कनेक्ट हो चुका है। तो देन दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कैपकट ऐप को हम लोग ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों आप जैसे ही ओपन कीजिएगा, तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप लोग वीडियो में ना यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला है। जो पहली बार भी इस टाइप की वीडियो को एडिट कर रहा है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से कर लेगा। बस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। देन दोस्तों जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपकी गैलरी के जो भी वीडियोज होंगी आप लोगों के सामने आ जाएंगी, यहां पे फोटोज भी आ जाएंगी। तो मैं वीडियो वाले सेक्शन में आके अपने वीडियो को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, और वीडियो को सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल से मैं ऐड क्लिक कर देता हूं। और ऐड आप जैसे ही गाइस क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका ये वीडियो कैपकट के टाइमलाइन पे आ जाएगा। और आने के बाद सबसे पहला काम गाइस आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे लास्ट में कैपकट का एक लोगो मिल जाएगा, तो लोगो को आप सिलेक्ट करके और नीचे साइड में गाइस आप डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इस वाली लोगो को आप डिलीट कर दीजिएगा। केवल गाइस अब यहां पे हम लोग का वीडियो बचा है, और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो आप अपने वीडियो वाले लेयर पे गाइस क्लिक करके इस वीडियो की साउंड को हम लोग ऑफ कर देंगे, तो वॉल्यूम पे हम लोग जाएंगे और इसकी वॉल्यूम को जीरो करके और राइट क्लिक कर देंगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेप में बताने वाला हूं। पहले स्टेप में गाइस मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड स्टेप में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो को ना ब्लर इफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ब्लर इफेक्ट डालेंगे। और तीसरे स्टेप में गाइस मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वीडियो के अंदर ना सेकी इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड म्यूजिक को भी ऐड करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, आपका भाई बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बताने वाला है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए गाइस आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना होगा और वीडियो को चलाना होगा। तो मैं यहां पे चलाता हूं, और देखिए मैं यहां से चल रहा हूं गाइस, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। और आने के बाद आपको नीचे ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और यहां पे एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, तो स्प्लिट वाले पे गाइस आप क्लिक कर लीजिएगा। देन दोस्तों ऐसे आप अपने वीडियो को जूम भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम करके और ऐसे थोड़ा सा आगे आ जाता हूं। और आगे आने के बाद अगेन आपको स्प्लिट पे क्लिक कर देना होगा, और देन दोस्तों ऐसे आपको और आगे जाना होगा। इतना दूर फास्ट हम रोकेंगे, अगेन वीडियो पे क्लिक करके स्प्लिट करके और थोड़ा सा आगे आके अगेन हम लोग स्प्लिट कर देंगे। देन दोस्तों ये प्रोसेस करते ही आपकी वीडियो ना कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। सो गाइज आपका भाई वीडियो को कई पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है, जब हम लोग अपनी वीडियो को स्लोमो में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का वीडियो ना काफी ज्यादा स्मूथ बने, इसके लिए मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर लिया अपने वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों सेकंड वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद स्पीड के आइकन पे क्लिक करके नॉर्मल पे गाइज क्लिक करके और इसको हम लोग ना यहाँ पे कम करके 0.1x कर देंगे। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप्स को यूज करना होगा, जिससे आपका वीडियो ना बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, और ये टिप्स को आप जरूर ही यूज कीजिएगा। तो नीचे यहाँ पे पिच के आइकन पे हम लोग टिक कर देंगे। देन दोस्तों यहाँ पे ना स्मूथर पे क्लिक करके यहाँ पे वेटर क्वालिटी करके और राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों ये प्रोसेस करते ही यहाँ थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग करने लगेगा, क्योंकि आपका वीडियो को ना ये बहुत ही स्मूथली स्लोमो में मतलब कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को गाइज हो जाने दीजिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका भाई बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स बताने वाला है। तो पहले इस प्रोसेस को हो जाने दीजिए, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूँ। सो गाइज जैसे ही आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, तो आपकी पूरी वीडियो स्लोमो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं वीडियो को चला के दिखाता हूँ कि आप लोगों का वीडियो कैसा बना है। तो मैं वीडियो को शुरू में जाके और वीडियो को यहाँ पे चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो फास्ट है, लेकिन यहाँ पे गाइज ना हम लोग को मक्खन के जैसा हम लोग का वीडियो स्लोमो में हो चुका है, और यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। और फिर मैं सेकंड वाले लेयर को मतलब स्लोमो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो सेकंड वाले लेयर को अगेन सेलेक्ट कर लूंगा मैं, थोड़ा सा ऐसे जूम करके इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके, और अगेन गाइज आपको स्पीड के आइकन
आइकन पे क्लिक करके नॉर्मल में क्लिक करके ना इस हम लोग को कम करके यहाँ पे मैं ना 0.2x करके यहाँ पे पिच पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके वेटर क्वालिटी करके राइट क्लिक कर दूंगा। और अगेन ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है, इसे फटाफट से हो जाने दीजिए। देन दोस्तों आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं पूरी वीडियो को एक बार चला के दिखा देता हूँ कि हम लोग का मतलब वीडियो कैसा बना है। तो मेरे वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं हम लोग का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्लोमो गाइज कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है गाइज, तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर लीजिएगा। हम लोग का वीडियो तो स्लो एंड फास्ट मोशन में गाइज कन्वर्ट हो चुका है, तो अब आपका भाई ये बताने वाला है कि कैसे आप अपने वीडियो को ना ब्लर इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्लर इफेक्ट अपने वीडियो के अंदर डालना बताने वाला है आपका भाई। तो इस वाले स्टेप को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले गाइज मैं क्या करता हूँ ना, मतलब इस वीडियो के अंदर मतलब जो है ना ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ, तो उसको ऐड करने के लिए आपको ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले पे क्लिक करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑडियो का लिंक दे दिया है, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को। तो मैं इस वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं और करने के बाद मैं ऐड क्लिक कर लेता हूं, और ऐड क्लिक करते ही गाइस हम लोग का उस वीडियो का ऑडियो यहां पे आ जाएगा अपनी वीडियो के अंदर। देन दोस्तों वीडियो के अंदर आने के बाद ना यहां पे ऑडियो में देख सकते हैं ऐसे मतलब ग्राफ बन के आया होगा, तो ग्राफ बन के आने के बाद यहां पे देख सकते हैं यहां पे हम लोग का ऑडियो का जो ग्राफ है ना ऊपर साइड में आया, तो यहां पे हम लोग आ जाएंगे। और आने के बाद गाइस सिंपली आपको ना यहां पे अच्छे तरीके से आ जाने के बाद आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा। दोस्तों वीडियो पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना होगा और थोड़ा सा आगे आके गाइस ना इसे अगेन आपको स्प्लिट कर देना होगा। देन दोस्तों इस वाले लेयर को आप सिलेक्ट करिएगा। देन दोस्तों सिलेक्ट कर लेने के बाद आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप प्रोसेस को समझ पाएंगे। और उस वाले लेयर को गाइस आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको एनिमेशन वाले पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों आपको यहाँ पे कॉम्बो वाले पे आके और यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाली इफेक्ट गाइस और ये वाली भी। तो मैं इस वाली इफेक्टों को लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों मैं अपने वीडियो को चला के दिखाता हूँ कि हम लोग का वीडियो कैसा बना है गाइस। इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्लर इफेक्ट कैसे आप अपने वीडियो के अंदर डाल सकते हैं, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। देन दोस्तों ये लास्ट वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करते ही हम लोग का पूरा वीडियो कुछ इस टाइप से गाइज बन चुका है। लेकिन गाइज आप अपने वीडियो के अंदर ना ब्लर इफेक्ट को कैसे ऐड करेंगे, चलिए आपका भाई बताता है। तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ से बैक आना होगा, और बैक आने के बाद आपको सिंपल से नीचे साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, और मिलने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे और बेसिक वाले में गाइज हम लोग चले आएंगे, और बेसिक वाले में आने के बाद यहाँ पे डायमंड जूम के एक इफेक्ट मिलेगा और होलो ब्लर करके मिलेगा। तो मैं सिंपल से होलो ब्लर को क्लिक कर लूंगा और अगेन इस पे क्लिक करके इसके इंटेंसिटी को मैं पूरा यहां पे इंक्रीज करके 100% करके राइट क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों यहां से मैं थोड़ा सा इसे कम कर लेता हूं, बिल्कुल थोड़ा सा, और जहां तक इसे आप चाहते हो वहां तक लगा सकते हैं। अब मैं वीडियो को चला के दिखाता हूं कि हम लोग का वीडियो कैसा बना है। तो मैं वीडियो को ओपन करता हूं। सो गाइज हम लोग का पूरी वीडियो तो कुछ इस टाइप से ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं वीडियो के मैं और भी पार्ट में मतलब इफेक्ट को ऐड करना, तो जिस भी पार्ट में आप ऐड करना चाहते हो उस पार्ट को ऐसे आप सिलेक्ट करके एनिमेशन पे जाके कॉम्बो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आउट भी और इन भी। तो मैं कॉम्बो पे जाके किसी एक इफेक्ट को अगेन ले लूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग का वीडियो के अंदर इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके आप अपने वीडियो को काफ़ी अच्छे से गाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपका भाई बहुत ही जेन्युइन जानकारी बताया है, तो इस वाली वीडियो को फुल HD में सेव करने के लिए यहाँ पे 180 PS पे क्लिक करके और जिस भी रेशियो में आप सेव करना चाहते हैं अपने वीडियो को कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 180 पे ही करना चाहता हूँ, तो डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके मैं इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लूंगा, तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।